हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो अगेन वेलकम बच्चा पार्टी और ऑन यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और मैं अरुण सोनी स्वागत करता हूं आपका हमारे बच्चा पार्टी। आज है हमारा नेक्स्ट लेक्चर फॉर द एलके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। और बच्चा आज का हमारा टॉपिक है कोरी हाउस रिएक्शन। और बच्चा साथ में हम करेंगे डीकार्बोनाइजेशन। सबसे बड़ी बात है ये दो रिएक्शन बिल्कुल छोटी छोटी है, इनका कोई भी मैकेनिज्म हमें नहीं करना है मेरे बच्चा पार्टी। तो मेरे बच्चा पार्टी, इस वीडियो को देखने से पहले आपको इस वीडियो के टाइटल के साथ एक एरो दिख रहा होगा, वहां पे आप क्लिक कीजिए मेरे बच्चा पार्टी, जिसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स बोलते हैं। वहां पर आपको मेरे बच्चा पार्टी स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग की कंप्लीट लिंक मिल जाएगी, प्लेलिस्ट की मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन की कंप्लीट लिंक मिल जाएगी। और मेरे बच्चा पार्टी एल्केन के जो अभी तक इससे पहले 5 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं उसकी भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो जो नया बच्चा हमारे साथ जुड़ा है वो पहले वाली वीडियो जरूर देख ले, ताकि बाद में आप ये मत कहना कि सर सिलेबस नहीं करवाया। सिलेबस बच्चा हो चुका है, ज्यादातर हमारा 50% से ज्यादा सिलेबस हो चुका है, 60% आप कह सकते हैं, बाकी भी बहुत जल्द कर लेंगे मेरे बच्चा पार्टी। तो मेरे बच्चा पार्टी जुड़ जाइए, नोटबुक निकाल लीजिए और हेडिंग लगा लीजिए कोरी हाउस रिएक्शन की। तो मेरे बच्चा पार्टी कोरी हाउस रिएक्शन में क्या होगा, कैसे रिएजेंट यूज होंगे, वो हम बिल्कुल प्यार से और आराम से बातें करेंगे। तो मेरे साथ जुड़ जाइए और आ जाइए मेरे बच्चा पार्टी, और लिखना स्टार्ट कर दीजिए कोरी हाउस रिएक्शन, हेडिंग लगा लीजिए। और यहां पर मेरे बच्चा पार्टी होगा क्या, यहां पर आपको एल्काइल हैलाइड लेके चलना है। क्या लेके चलना है, एल्काइल हैलाइड लेके चलना है, ठीक है। यहां पर आप ऐड कर देना 2 मॉलिक्यूल लिथियम के, ये लीजिए एल्काइल हैलाइड आप लेकर चले। और यहां पर आपने क्या ऐड कर दिया, 2 मॉलिक्यूल आपने लिथियम के ऐड कर दिए। और जैसे ही 2 मॉलिक्यूल लिथियम के आपने ऐड किए तो आपने क्या देखा, यहां से LiH तो निकल जाएगा, ठीक है। एक यहां पर R बचेगा और एक बचेगा आपके पास लिथियम। तो लिथियम एल्काइल की फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले होगी। आपने एल्काइल हैलाइड लिया RH, उसके अंदर आपने लिथियम डाला, लिथियम डालते ही आपने देखा एक लिथियम का एटम और ये एक एक्स निकल जाएगा बाहर LiX की फॉर्म में, लिथियम हैलाइड की फॉर्म में, और आपके पास बनेगा RLi, ठीक है। आया मेरे बच्चा पार्टी बात समझ में। अब इसी तरह एक रिएक्शन और करवा सकते हो, तो आपके पास ऐसे ऐसे दो बन जाएंगे। आप एक रिएक्शन और करवा दीजिए ऐसे, यानी कि देखिए यहां से तो हमें एक ही मॉलिक्यूल मिला, हमें अब यहां पर 2 मॉलिक्यूल चाहिए, तो आप एक रिएक्शन दोबारा करा लीजिए, ठीक है। अब मेरे बच्चा पार्टी यहां पर आपको ऐड करना होता है कॉपर आयोडाइड। क्या ऐड करना है मेरे बच्चा पार्टी, यहां पर आपको कॉपर आयोडाइड यहां पर ऐड करना होता है। सेकंड स्टेप है हमारा, पहले स्टेप में हमने लिथियम मिलाया, सेकंड स्टेप में हमने क्या ऐड किया, कॉपर आयोडाइड ऐड किया। अब कॉपर आयोडाइड को ऐड करने के बाद देखिए आपको दिख रहा होगा, ये वाला लिथियम निकाल दीजिए और ये वाला आयोडीन निकाल दीजिए, ठीक है, दोनों बाहर निकाल दीजिए। यहां से लिथियम आयोडाइड बाहर आ जाएगा। फिर मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कैसे आप याद रखोगे, ठीक है। आपने क्या किया, आर एल आई के 2 मॉलिक्यूल लिए, उसके अंदर कॉपर आयोडाइड डाला, तो यहां से लिथियम आयोडाइड बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब जो बचता है ना उसको जोड़कर देखिए, देखिए कितने आर बचे हैं, कितने कॉपर बचे, कितने लिथियम बचे। आर 2 बचे तो मैं लिख देता हूं R2, ठीक है। उसके बाद कॉपर 1 बचा, ये लीजिए, उसके बाद लिथियम बचा। तो डाई एल्काइल क्यूप्रेट लिथियम, ये है हमारा डाई एल्काइल क्यूप्रेट लिथियम, यहां पर हमें मिल जाएगा। क्या मिलेगा मेरे बच्चों, लिख दे इसका नाम, लीजिए डाई एल्काइल क्यूप्रेट। हमें बच्चा पार्टी लिथियम बहुत सारे बुक में पहले लिखा होता है, बाद में इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें सिर्फ इसका नाम पता होना चाहिए। और ये हमारा की प्रोडक्ट होगा एक तरीके से, R2CuLi डाई एल्काइल क्यूप्रेट लिथियम, ठीक है। मैंने बच्चा पार्टी दोबारा बता देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। पहले स्टेप में हमने RX के अंदर लिथियम मिलाया, तो लिथियम और एक्स अलग निकल जाएगा, लिथियम 1 बचेगा, आर बचेगा, आर एल आई हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके 2 मॉलिक्यूल लेके चलते हैं आर एल आई के, कॉपर आयोडाइड बना देना सेकंड स्टेप के अंदर।
तो लिथियम और आयोडीन आपको बाहर निकलता है। ध्यान से देखिए, पहले भी आपको लिथियम हैलाइड बाहर निकलता दिखा और सेकंड स्टेप में भी आपको लिथियम हैलाइड बाहर निकलता दिखा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, क्या बन जाएगा, डाई एल्काइल क्यूप्रेट लिथियम हमारा यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। अब बात करते हैं हमारे लास्ट स्टेप की, जहां पर हम ऐड करेंगे एक हमारा एल्काइल हैलाइड हो सकती है। तो बच्चों इसे अलग लेके चलेंगे ताकि मुझे जो बात आपको बतानी हो आपको बता सकूं। अब ये वाला जो आर हमने लिया ना स्टार्ट में एल्काइल हैलाइड, और ये वाला लिया, हम दोनों अलग लेके चल रहे हैं। आप सेम भी ले सकते हो अलग भी, ठीक है। अब देखना मैं कहना चाहता हूँ, अब ध्यान से देखो होगा क्या। अब दोबारा से यहाँ पे आपको लिथियम आयोडाइड ही बाहर निकालना है। देखिए एल आई और एक्स बाहर निकल जाएगा। तो बात ध्यान से समझे, पहले भी लिथियम हैलाइड बाहर निकला, उसके बाद लिथियम आयोडाइड लेके चले वो बाहर निकला, अब दोबारा से लिथियम हैलाइड ही बाहर निकला, ठीक है, ये बाहर निकल जाएगा। अब देखो एल आई गया और ये एक्स गया, ये एक आर और एक कोपर, ये दो बाहर निकाल दो, ये वाला आर और ये वाला कोपर बाहर निकल जाएगा। अब दोबारा से एक आर बचता है वो उठा दो और एक आर डैश ले रहा, ये रोल में बचा पार्टी, ये तुम्हारा होगा मेन प्रोडक्ट, ये होगा हमारा मेन प्रोडक्ट आर और आर डैश। अब बातें ध्यान से सुनो, इस मेथड के द्वारा मीथेन को आप नहीं बना सकते क्योंकि हमें लास्ट में कम से कम दो कार्बन मिलेंगे, कम से कम दो कार्बन, तो मीथेन यहां से हम नहीं बना सकते, ठीक है। इतनी बात आई ना बच्चा पार्टी समझ में, सिर्फ इतना याद रखो, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान रखो, रिएक्शन कई बार आपको ऐसे देगा, देखिए वो लिख देगा यहां पर आपको आर एच, ठीक है, वो यहां पे लिखेगा लिथियम, ठीक है, वो लिथियम लिख देगा, ये हमारा पहला स्टेप होगा। फिर वो आपको लिख के दे देगा कॉपर आयोडाइड, फिर आपको लिख के दे देगा आर एक्स। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये हमारी कोरी हाउस रिएक्शन होती है। पहले स्टेप में हमने दो लिथियम ऐड किए, अब देखिए लिथियम ऐड किया तो लिथियम एक्स निकाल दीजिए, ठीक है, आपके पास आर एल आई आ जाएगा। आर एल आई में आपने कॉपर आयोडाइड ऐड किया तो भी एल आई एक्स निकालना है, एल आई आई निकल जाएगा लिथियम आयोडाइड। थर्ड स्टेप में जब आपने आर एस एक्स ऐड किया तो भी आपको लिथियम आयोडाइड ही बाहर निकालना है, यानी कि यहां पर हमारा की फंक्शन क्या होगा, रिमूवल ऑफ एल आई एक्स लिख देता हूं हर स्टेप के अंदर, ताकि आपको दिमाग में बना रहे करना क्या है। अब अगर आपको उसका कीवर्ड में सिंपल वर्डों में बताऊं तो मैं इस रिएक्शन को दोबारा एक्सप्लेन कर सकता हूं कि हमने आर एक्स लिया, आर एक्स में लिथियम डाला, लिथियम के दो एटम थे तो आर एल आई बन जाएगा, आर एल आई के साथ एक एल आई एक्स बाहर आएगा पहले स्टेप में, ठीक है, ये हमारा स्टेप नंबर 3 था। उसके बाद हमने क्या किया, हमने जैसे ही आर एल आई बना उसके दो मॉलिक्यूल लेके चल रहे, तो आर एल आई ले लिया ऐसे दो, फिर उसके अंदर आर सी यू डाल दिया, ठीक है, नहीं कॉपर आयोडाइड डाल दिया, तो क्या होगा एल आई आई फिर बाहर निकल जाएगा, रिमूवल ऑफ एल आई एक्स आपको कीवर्ड में याद रखना है। फिर क्या होगा, दो आर होंगे, एक कॉपर होगा, एक लिथियम होगा, जुड़ जाएगा डाई एल्काइल क्यूप्रेट लिथियम बन जाएगा। उसके बाद दोबारा से हैलोजन एल्काइल हैलाइड डालना है, तो स्टार्ट वाला भी हो सकता है और स्टार्ट से दूसरा भी हो सकता है, तो यहाँ से हमें हमारा मेन ग्रुप देखने को मिलेगा एल्केन, यानी कि एल्केन की फॉर्मेशन यहाँ पर होगी। तो मेरे बच्चा पार्टी को आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ये थी हमारी पहली रिएक्शन। अब मैं बात करूंगा हमारी सेकेंड नेमी रिएक्शन की, जो हमारे बच्चा पार्टी डी कार्बोक्सिलिक एसिड, डी कार्बोक्सिलेशन कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि फैटी एसिड भी आप इनको बोल सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड और फैटी एसिड में बच्चा पार्टी एक ही चीज होती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बिल्कुल सिंपल से मेरे बच्चा पार्टी आप पहले कोरी हाउस रिएक्शन को अच्छे से नोट कर लीजिए, जितने पॉइंट हो सकते थे मैंने सारे आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब देखिए मेरे बच्चा पार्टी डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड करोगे कैसे, यहां पर आपको एक ऐसा चार्ज दिया हुआ जैसे आर सी ओ एच लिखते हो ना, तो यहाँ पे सोडियम लगा देना, सोडियम चार्ज को फैटी एसिड आप इसे बोल सकते हो, बहुत बार हमने किया है, यहाँ पे आर सी ओ ओ एच होता ना, हाइड्रोजन हटा के सोडियम लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे हम रिएक्शन करानी है आपको एन ए, बताइए किसकी कराओगे, मैं तो भूल गया यहाँ पे क्या होगा,
नहीं पता तो देखिए NaOH की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और इसको हीट कर देगा। ठीक है, ध्यान से देखना क्या हुआ मैं बता देता हूं। Na2CO3 आपको बाहर निकलता दिख रहा है, Na2CO3 आपको बाहर निकलता दिख रहा है और आपको आपका मेन प्रोडक्ट एक R और एक H बचता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर हमारी फॉर्मेशन होगी एल्केन की मेरे बच्चे पार्टी, ये हमारा प्रोडक्ट होगा एल्केन RH। ठीक है मेरे बच्चा पार्टी, अब मैं एक रिएक्शन आपको लिख के दिखाता हूँ। देखिए जैसे हमारा एसिटिक एसिड होता है CH3 COOH होता है, H की जगह हमने सोडियम ले लिया, फिर हमारे पास आया NaOH आया, हीट किया कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, आपको यही बाहर निकालना है Na2CO3 और आपको बनता दिख रहा होगा CH4 NaCO3। अब आपको एक बात दिमाग में रखनी है, इसका नाम डीकार्बोनाइजेशन इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पे इस कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल में से आपको CO2 का रिमूवल दिख रहा है, यहाँ से CO2 का रिमूवल है मेरे बच्चा पार्टी। एक तरीके से जो हम कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल लेके चल रहे हैं उसके अंदर से CO2 बाहर निकलती दिख रही है इन द फॉर्म ऑफ Na2CO3। ये CO2 सारी की सारी यहाँ पे Na2CO3 के अंदर आ जाती है सोडियम कार्बोनेट के अंदर, तो ये है मेरे बच्चा पार्टी डीकार्बोनाइजेशन। अब यहाँ पे कीवर्ड क्या है, यहां पर जो आपको फैटी एसिड दिया गया है, जो आपको फैटी एसिड दिया गया है ठीक है, उसमें जो आपको आर ग्रुप दिया गया है, फैटी एसिड में जो आपको आर ग्रुप दिया गया है वही आपका प्रोडक्ट है। उसके अंदर सिर्फ आपको एक हाइड्रोजन ऐड करना होता है। दोबारा सुन लीजिए, जो आपको फैटी एसिड दिया गया है उसका जो R ग्रुप है यानी ये वाला जो R ग्रुप है इसके अंदर एक हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये आपकी ट्रिक है इस रिएक्शन के लिए और ये रिएक्शन आपको बहुत बार देखने को मिलेगी। ठीक है, तो फैटी एसिड में जो R ग्रुप दिया गया है हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए आपको क्या मिल जाएगा, आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था मेरा बच्चा पार्टी हमारा कोरी हाउस रिएक्शन और डीकार्बोनाइजेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो मेरे बच्चा पार्टी अब हमारा सिर्फ एक मेथड और बचता है प्रिपरेशन का, जो है हमारा कोलबे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको करवा दूंगा। तो मेरे बच्चा पार्टी इससे पहले आप सारे लेक्चर जरूर देख लेना, ये आपके लिए है, इतना आप देखोगे बेनिफिट होगा। क्योंकि मेरे बच्चा पार्टी इसके बाद हमारा सिर्फ एक चैप्टर बचेगा स्टीरियो केमिस्ट्री, वो इतना इंपॉर्टेंट है कि उसमें कम से कम 30 से ज्यादा लेक्चर बनाने पड़ेंगे। और मैं आपका वो सोच रहा हूँ कि 1 फरवरी से वो स्टार्ट कर दूं और ये लेक्चर सारे के सारे तब तक अपलोड हो जाएंगे। तैयार है मेरे पास आगे के लेक्चर भी और पीछे के लेक्चर भी बहुत सारे तैयार हो चुके हैं। अब मैं शायद 1-2 दिन में स्टीरियो केमिस्ट्री की रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि ये वाले चैप्टर मैंने 1-2 दिन में सारा का सारा एल्केन साइक्लिक में कंप्लीट रिकॉर्ड करके अपने पास रख लूंगा और टाइमली आपको अपलोड होते रहेंगे। तो मेरे बच्चा पार्टी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्यारा सा लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए, हाँ सर हमें समझ में आया। और मेरे बच्चा पार्टी अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पता लगे कि हाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डरने की जरूरत नहीं है, अरुण सर आपके साथ है। ठीक है, तो थैंक यू बच्चा पार्टी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अपने अच्छे से नोट्स बना लेना। ठीक है, ले लीजिए मेरे बच्चा पार्टी स्क्रीनशॉट।